हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल एडवांस स्टडी में। दोस्तों एक बार फिर से इंडियन रेलवेज के अंतर्गत वैकेंसीज यहां पर रिलीज़ कर दी गई हैं। आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं, इस बार जो वैकेंसीज यहां पे आई हैं वेस्टर्न रेलवेज द्वारा रहने वाली हैं। पोस्ट की ओर यहां पे बढ़ जाते हैं, कौन कौन सी वैकेंसीज यहां पे इंक्लूड की हैं, बिल्कुल यहां पे समय व्यर्थ नहीं करते हैं। देखिए सबसे पहले आप लोग यहां पे देख सकते हैं लिखा हुआ है CMP GDMO मीज यहां पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की वैकेंसी है। और देखिए जनरल ड्यूटी पे जो मेडिकल ऑफिसर्स रहते हैं इनके लिए भी यहां पे पोस्ट शामिल कर ली है। और 8 वैकेंसी यहां पे इंक्लूड की गई हैं, जिसमें से अनरिजर्व की 5 हैं, शेड्यूल कास्ट की 1 है और OBC की यहां पे 2 पोस्ट यहां पे रखी गई हैं। MBBS होना आपका यहाँ पर जरूरी है। और देखिए आपका रजिस्ट्रेशन जो यहाँ पर रहता है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अंतर्गत, अगर आपके पास ये है तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई करें। 53 वर्ष से ज़्यादा उम्र आपके यहाँ पे ना हो, पर मंथ बेसिस पे जो है ₹75,000 आपको सैलरी पैकेज प्रोवाइड कराया जाएगा। देखिए अगली पोस्ट है वो रहेगी यहाँ पे CMP स्पेशलिस्ट के लिए, जो यहाँ पे मेडिकल प्रैक्टिशनर रहते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में यहाँ पे जॉब निकाली गई है। और इन्वेंशनिस्ट, फिजिशियन, एनेस्थेटिस्ट मिलाकर ये सारी वैकेंसी 9 पोस्ट यहाँ पे इंक्लूड कर ली गई हैं। और MBBS होना आपका यहाँ पे जरूरी है। और देखिए साथ ही साथ PG डिग्री भी आपको यहाँ पे चाहिए। और यहाँ पे देखिए अगर आपके पास डिप्लोमा है इससे रिलेटेड तो भी आप लोग यहाँ पे अप्लाई करें। साथ ही साथ देखिए रजिस्ट्रेशन भी आपको यहाँ पे चाहिए, जो भी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का यहाँ पे रहता है। 53 वर्ष से ज़्यादा उम्र आपके यहाँ पे ना हो, ₹95,000 सैलरी पैकेज पर मंथ बेसिस पे आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। दोस्तों अगली जो पोस्ट है वो रहेगी यहाँ पे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए 43 पोस्ट यहाँ पे रखी गई हैं, जिसमें से देखिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 19 है, शेड्यूल कास्ट के लिए 7 है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 3 है और OBC वाले कैंडिडेट के लिए 10 वैकेंसी रखी गई हैं। साथ ही साथ देखिए EWS वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 4 पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है। और सर्टिफिकेट होना आपका यहाँ पे जरूरी है, जो नर्सिंग का यहाँ पे रहता है GNM का। और देखिए BSc नर्सिंग वाले कैंडिडेट भी यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इसकी जानकारी भी यहाँ पे नीचे प्रोवाइड करा दी है। और देखिए साथ ही साथ इंडियन नर्सिंग काउंसिल का जो आपका रजिस्ट्रेशन रहता है, अगर आपके पास ये है तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई करें। और देखिए अगर आपके पास यहाँ पे वर्किंग एक्सपीरियंस है 15 बेड्स के अंतर्गत और क्रिटिकल यूनिट का ये आपका यहाँ पे अनुभव रहता है तो अच्छी बात है, आप लोग को यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। 20 से 40 साल आपकी यहाँ पे उम्र होनी चाहिए और ₹44,900 आपको सैलरी पैकेज प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही साथ देखिए अदर अलाउंसेज भी आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। दोस्तों अगली जो पोस्ट है वो यहाँ पे देखिए रीनल डिस्प्लेसमेंट के अंतर्गत यहाँ पे रहने वाली है। और देखिए हीमोडायलिसिस टेक्नीशियन की ये पोस्ट है, एक ही पोस्ट यहाँ पे इंक्लूड की गई है। BSc होना आपका जरूरी है। और यहाँ पे देखिए डिप्लोमा अगर आपको उससे रिलेटेड है तो ये आप लोग यहाँ पे अप्लाई करें। और 2 साल का देखिए अगर आपके पास यहाँ पे एक्सपीरियंस है तो भी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 20 से 33 साल से ज़्यादा उम्र आपकी यहाँ पे ना हो, और 20 साल कम से कम हो और 33 साल से ज़्यादा उम्र आपकी ना हो, ₹35,400 आपको सैलरी पैकेज दिया जाएगा अदर अलाउंसेस के साथ साथ। दोस्तों अगली जो वैकेंसी यहाँ पे जो इंक्लूड की गई है वो देखिए यहाँ पे लैब टेक्नीशियन के लिए रहने वाली है। 4 पोस्ट यहाँ पे रहेंगी। और देखिए 12th क्लास पास होना आपका यहाँ पे जरूरी है साइंस सब्जेक्ट के साथ। और देखिए डिप्लोमा अगर आपके पास है MLT का और देखिए DMLT का तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई करें। और देखिए आपको यहाँ पे जो एज है 18 से 33 साल आपकी यहाँ पे उम्र होनी चाहिए और ₹21,700 आपको सैलरी पैकेज दिया जाएगा अदर अलाउंसेस के साथ। दोस्तों अगली जो वैकेंसी यहाँ पे इंक्लूड की गई है वो रहेगी यहाँ पे रेडियोग्राफर के लिए, 2 पोस्ट यहाँ पे रहेगी। और यहाँ पे देखिए 12th क्लास पास होना आपका जरूरी है फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ और केमिस्ट्री। और देखिए डिप्लोमा अगर आपके पास है रेडियोग्राफी में तो ही आप लोग यहाँ पे अप्लाई करें। और देखिए अगर आपके पास इससे रिलेटेड और यहाँ पे क्वालिफिकेशन है, जैसे रेडियो डायग्नोसिस की, एक्सरे टेक्नीशियन की, तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इनको यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी। और देखिए 19 से 33 साल यहाँ पे उम्र मांगी जा रही है, ₹29,200 आपको सैलरी पैकेज दिया जाएगा, साथ ही साथ अदर अलाउंसेस जो रहते हैं ये भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो दोस्तों वैकेंसी टेबल के बारे में मैंने आपको यहाँ पे जानकारी दे दी। देखिए जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हैं इसमें यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन है तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई करें। किसी भी राज्य का आपके पास यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है और देखिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल का आपके पास संबंधित पोस्ट से रिलेटेड यहाँ पे पंजीयन है तभी आप लोग यहाँ पे अप्लाई करें। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए अप्लाई करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ क्या आपको यहाँ पे करना होगा। देखिए बोला जा रहा है यहाँ पे ऑनलाइन आपको यहाँ पे भेजना है अपना आवेदन, और ये जो लिंक आपको यहाँ पे दी जा रही है आप लोग यहाँ पे इसके द्वारा यहाँ पे अप्लाई करें। और देखिए डाउनलोड कर लीजिए आप लोग यहाँ पे जो मोबाइल एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पर जाके, यहाँ से भी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं 2 जुलाई 2020 इसकी यहाँ पे लास्ट डेट रहेगी। और देखिए जो आपका इंटरव्यू है वो रहेगा 4 जुलाई 2020 को। तो ये इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दी है ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट्स के लिए, ये वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज़ की गई हैं। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई जरूर करें। ज़्यादा बड़ा अपडेट नहीं बनाया, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आई थी वो मैंने आपको जानकारी दे दी। सबसे पहले इस वीडियो को यहाँ पे लाइक कर दें, दिल से इस वीडियो को यहाँ पे लाइक करें, इस मेहनत को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट वगैरह, कोई भी सवाल वगैरह है आप सभी लोग हमसे यहाँ पे पूछ सकते हैं।
और देखिए 2 घंटे बाद एक और वीडियो यहाँ पे अपलोड होने वाला है। स्वास्थ्य विभाग से सरकारी भर्ती का विज्ञापन यहाँ पे जारी हो चुका है, वो जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, तो वीडियो को नीचे आइए, सब्सक्राइब के रेड बटन को यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। स्वास्थ्य विभाग की हर सरकारी भर्ती को आगे इसी तरीके से आगे पाते रहे। तो अपने इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।